व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं जब आपको बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे, जब आपको फील हो कि दुनिया बहुत बड़ी है, जब आपको अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के साथ चलना होता है, आपको बहुत बड़ी खाई दिखाई दे और फिर उससे बाहर निकलना होता है, क्या करते हैं आप? जब आपको सब कुछ दिखाई दे कि ये इम्पॉसिबल है, अभी ये नहीं हो सकता, फिर भी आप शायद कुछ कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं और होता ये है कि आप एक समय बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। शायद आप कड़ी मेहनत कर रहे हो बदलाव के लिए, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। आप लगभग सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता है। एक समय बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ देना ही समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि छोड़ देने से एक सिर्फ फेलियर जनरेट हो पाती है, रिजल्ट नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या फील कर रहे हो इस समय, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितने लगन से इसको और बेहतर करते हैं, इसलिए आप इसे जारी रखें। जब आपको लगे असंभव है, जब आपको ये लगे कि इम्पॉसिबल है, जब आपको लगे कि अब और कोई रास्ता नहीं है, तो एक बात आपने आपको बता दी, दिन प्रतिदिन मैं बेहतर करूँगा, स्टेप बाय स्टेप, एक कदम लूँगा और बेहतर करूँगा, एक समय में एक चॉइस और बेहतर करूँगा। यदि आप अपने आप अपने सामने विशाल पर्वत को देखें, तो आप कभी भी स्टेप नहीं ले पाएंगे, लेकिन जब आप फर्स्ट स्टेप लेने के बाद आपका पूरा का पूरा फोकस आपका अगले स्टेप होना चाहिए। पहला स्टेप लेने के बाद आप इसे लगातार करें, मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ें, और आप कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि आपके पास एक स्ट्रेंथ जनरेट हो चुका है, आप अपने आप में इम्प्रूव कर चुके हैं। जब आपके पास दूसरा चॉइस नहीं हो, फिर भी आप अपना जर्नी कंप्लीट करेंगे। यदि आपका चैलेंज आप खुद लेते हैं, दिन प्रतिदिन आप इम्प्रूव करेंगे, बिना जीत का आप इम्प्रूव करें, आप इम्प्रूव करें कि अपने आप से वादा करें। जिंदगी में हर वक्त, हर दिन, हर समय, हर मोमेंट पर बदलाव होना जरूरी है, और आप बदलते हैं, खुद को इम्प्रूव करते रहें। यदि आपका गोल एक डेस्टिनेशन पे ख़त्म होती है, तो आप मजबूत इरादों के साथ प्रतिदिन आगे बढ़ें। जब तक ये हो नहीं जाता, तब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहें, करते रहें, नेवर गिव अप, आप कभी हार ना माने, ना उसे कभी छोड़े। एक दिन आप अपने आप को समय दीजिए, जस्ट वन डे, एक दिन आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, एक दिन आप अपने आप से इरादा कीजिए, एक दिन आप अपने आप पर फोकस करें, जस्ट वन डे। आप अपने आप को प्यार करते हैं तो ये काफ़ी है आपके जीवन को बदलने के लिए। यदि आप अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपने लाइफ के बारे में केयर करते हैं, तो खड़े हो जाइए और आपके लिए क्या महत्व रखती है उस पर फोकस करें, उसके बारे में सोचें, आप उस पर समय दें कि क्या मेरे लिए बेहतर हो सकता है। सोचिए आप कहाँ हैं अभी, ये कह देना सिर्फ काफ़ी नहीं है। जो चीज़ें आपको कमी महसूस कराती हैं, वो आप ही हैं जो उस चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं, पावरफुल फोर्स के साथ आप उसको अचीव कर सकते हैं। एक दिन ऐसा भी होगा आप उसको अचीव करेंगे। जस्ट वन डे गिव योर सेल्फ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, वन डे यू विल बी क्लोजर। खुद से वादा करें कि मैं इसे बेहतर करूँगा और इसे कभी नहीं छोड़ूंगा।
और अब होता ये है, आप ये जानते हैं ये विकार हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, पर आप इसे डिजर्व करते हैं और आप इसे करने के लिए काफ़ी हैं। अब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या फील करते हैं, क्या फील कर रहे हैं, पर आप इसे पाने के लिए आप काफ़ी हैं। आप सिर्फ अकेले ही काफ़ी हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए। सो जस्ट गिव वन योर सेल्फ विल बी कॉन्करर। दैट्स ऑल। थैंक यू।